हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पुष्पा और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रिएक्शंस वीडियो बनाती हूं, तो गाइस ऐसे ही आज मैं एक और रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल सब्सक्राइब। गाइस बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या मनीषा सचिन से तलाक ले रही है और ये सारी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, और दो दिन से क्यों नहीं व्लॉग आ रहे हैं सचिन वाले जो चैनल है उस पर, क्यों व्लॉग नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ ऐसा हो गया है। भोपाल जाने के बाद में से ही सचिन बीमार हो गए और उसके बाद में उनके घर में कौन सी परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो सारी चीज़ों का जवाब देने की मैं इसमें कोशिश करूँगी। और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से तलाक की अभी वीडियो चल रही है। पता नहीं ना, ऐसा है रिएक्शन चैनल वाले जो होते हैं कुछ ठीक है, आप कुछ अगर बात बताते हो तो सही बताओ, उसको तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल इस तरीके से पेश किया जाता है। मुझे लगता है कि अगर किसी के परिवार में कुछ सही होने वाला भी होता है तो कुछ रिएक्शन चैनल ऐसे होते हैं ना, उसको और बड़ा चढ़ा के बताने से उनके परिवार में मतलब एक प्यार और एक एकाग्रता की जगह सब लोग एक हो जाए उसकी जगह फूट और डलती हुई नज़र आने लग जाती है। तो कहीं कुछ मैं अगर जो ब्लॉगर्स हैं यहाँ पर, इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिएटर, वैसे सारे ही समझदार हैं, पर मुझे ये बताना चाहिए कि अगर आप देखते हैं रिएक्शन चैनल्स के वीडियो तो कम से कम उनकी बातों पर ये भी मतलब विश्वास ना कीजिए। आपको अपने हस्बैंड पर, अपने जीवन साथी पर, अपने फैमिली वालों पर, उन पर भरोसा होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ ऐसा चल रहा है, काफ़ी लोग वीडियोस बना रहे हैं सचिन और मनीषा तलाक रहे हैं, अब उन्होंने शायद प्रैंक किया हो और क्यों मैसेज डिलीट कर दिया, और कौन सविता सरिता का क्या मैसेज था, सरिता क्या बोलना चाह रही थी, सरिता ने कहा है कि सचिन कैसे हैं, उनकी माँ से भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने मैसेज में उन्होंने बात करी है और कहा है, पर सचिन ने जो भी मेरे खिलाफ़ सोशल मीडिया पर मेरी छवि ख़राब करने की कोशिश की मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँगी। तो भाई, आप लोगों की जो भी बात होती है, जो भी चीज़ें होती है, तो आप लोगों में कम से कम इतना सामंजस्य होना चाहिए कि आप लोगों को आगे कैसे चलना है, कैसे क्यों बोलना है, क्या बोलना है। अगर आप एक दूसरे से अच्छे समझते हो, आप सभी यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, अपनी अपनी फैमिली के ब्लॉग्स दिखाते हो, तो कम से कम कोशिश ये कीजिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ ना शेयर कीजिए। भाई आजकल के ज़माने में कौन किसी का होता है, भाई सगा भाई का नहीं होता है, तो फिर आप लोग तो यूट्यूब पर मिले, दोस्ती हुई, थोड़े से संबंध बने और फिर आप लोग ऐसे मतलब दिल खोल के सारी चीज़ें बता देते हो, फिर जब थोड़ी सी भी कुछ नोकझोंक होती है या सोशल मीडिया पर कोई भी रिएक्शन चैनल वाले कुछ भी थोड़ी सी गंदगी फैला देते हैं तो आप लोग एक दूसरे के राज उगलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी देखते हैं तो पर्सनली अपना फ़ोन करके या आपस में मिलके मैटर सोल्व कर लो, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसे चलने दीजिए। बस एक चैनल आप मतलब कोई सा भी एक वीडियो बना दीजिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो बस आप लोगों का रिश्ता भी बरकरार रहेगा और सारी चीज़ें अच्छी चलती रहेगी। पर कुल मिलाकर यहाँ पर ना, मुझे जब भी ये तलाक वाली खबर चल रही है कि सचिन का और मनीषा का रिश्ता टूटा, भाई अभी शादी को कितने साल हुए हैं उनकी, तो मुझे लगता है भी ज़िंदगी सही से स्टार्ट भी नहीं हो पाई है दोनों के, मतलब इतने अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं और थोड़े बहुत मियाँ बीवी में हर किसी में नोकझोंक चलती रहती है। तो आप ऐसे वीडियो ना बनाएं और ऐसी मतलब सोशल मीडिया पर गंदगी ना फैलाएं। तलाक ले रहे हैं, सचिन ने मनीषा को ये बोला, सचिन मनीषा को बहुत डांटते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, नेहा दीदी के कारण बहुत डांट लगाई है सचिन ने नेहा को, तो ठीक है कुछ गलती हो जाती है तो वो मनीषा भी मानती है थोड़ी सी, वो सभी बताते हैं काफ़ी सीधी है मनीषा। तो मैं बस इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाया है। मैं तो सभी को बोलना चाहूँगी यहाँ पर, जो भी जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं उनको भी बोलना चाहूँगी, सारे रिएक्शन चैनल्स एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ एक अच्छे भी होते हैं जो कुछ अच्छी बातें फैलाते हैं। जैसे वो कौन सा एक चैनल है जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जायसवाल करके फॉलो है, अलका जायसवाल, वो काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, उनके मतलब सुन के लगता है कि वो एक जो जिसके लिए भी बना रही हूँ उसको, और किसी को मुसीबत है और उस पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है तो अगर आप उसको एक हिम्मत दे रहे हैं, एक कुछ मोटिवेट कर रहे हैं कुछ अच्छी बातों के लिए, तो उसको जब वो वीडियो देखता है ना तो उसको खुद अपने आप एक हिम्मत मिल जाती है। तो गाइस मैं ज़्यादा वीडियो यहाँ पर लंबा नहीं करूँगी, बस सिर्फ यही इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था कि तलाक की खबरें सारी फेक है, कुछ भी नहीं, इनका डिवोर्स नहीं हो रहा है, सब कुछ उनके परिवार में ठीक चल रहा है, थोड़ी बहुत जो भी नोकझोंक होती है वो सही हो जाती है। तो गाइस अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और सभी लोग अपने परिवार पर और अपने फैमिली पर, और अगर जो आपने रिश्ता बनाया है उस पर एक विश्वास कायम रखें, तो माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद।